वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम बनाना, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में इसे बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे यहाँ पे देखिए 10, 12 और 16, 20 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो एक या दो संख्याओं को काटती है तो उस संख्या से हम भाग देंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या एक होती है, लेकिन हम एक से भाग नहीं देंगे, क्योंकि अगर एक से भाग देंगे तो काटने के बाद बार बार वही संख्या आएगा। जैसे 10, 12 और 16 है, तो एक से भाग देने पर यही संख्या रिपीट होते रहेगी और यह कट नहीं पाएगा। तो चलिए सबसे छोटी संख्या अब आगे 2 से इसे कटाते हैं। तो एलसीएम बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन इधर से और एक इधर से बनाते हैं, फिर इसमें संख्याओं को लिखते हैं। जैसे संख्या है 10, 12, 16 और 20, तो हमने इस संख्याओं को इसमें लिख लिया। अब इसे हम छोटी से छोटी संख्या 2 से कटाएंगे। तो चलिए 2 से कटाते हैं। 2 पाँचे हमारा होता है 10 और 2 छक्के होता है 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20। फिर अब आगे भी उसी तरह से देखेंगे कि किस संख्या से हमारा कट सकता है। तो यहाँ पे फिर से 2 से कटाएंगे, क्योंकि 6, 8 और 10 2 से कट जाएगा। तो चलिए 2 से कटाते हैं। 5 2 के बारे में नहीं आता है तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। 6 आता है 3 बारी में, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और 4 दुनी 8 होता है तो 4, 5 दुनी 10 होता है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब आगे हम उसी तरह से देखेंगे कि यहाँ पे 5, 3, 4, 5 आया, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो कट रही है। तो यहाँ पे तब तक कटाएंगे जब तक कि हमारा कट कर एक ना हो जाए। तो यहाँ हम अब 3 से कटाएंगे, तो देखिए 5, 3 के पहाड़ में नहीं आता है तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। जो संख्या नहीं कटेगी उस संख्या को ऐसे ही उतार देना है। 3 एक बारी में कट जाएगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर 4 है तो 4, क्योंकि 3 के पहाड़ में 4 भी नहीं आता है। 5 को भी ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि 5 भी 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। फिर आगे देखेंगे तो आगे एक 4 है यहाँ पे, तो फिर 4 से हम इसको भाग देंगे। 5 को ऐसे ही उतारेंगे, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है। ये 1 है यहाँ पे, 4 एक बारी में आएगा तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। आगे बच गया, अब इसको हम 5 से ले जाएंगे, क्योंकि 5 एक बारी में कटेगा। फिर 1 है तो 1, 1 है तो 1 और 5 फिर एक बारी में कट जाएगा। 5 के पार एक बारी पढ़ेंगे तो 5 आता है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीपल करते हैं, यानी गुना करते हैं। 2, 2, 3, 4, 5 को आपस में मल्टीपल करेंगे। 1 को यूँ ही छोड़ देंगे, क्योंकि 1 से गुना करने पर संख्याओं पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ 2 गुने 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दी। फिर आगे है गुना में 3 लिखेंगे। फिर आगे 4 है तो गुना में 4 लिखेंगे। अगला संख्या 5 है तो गुना में 5 लिखेंगे। अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12। अब 12 में 4 से गुना करेंगे, 12 चौके 48। फिर 48 में क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 48 में 5 से गुना करके और यहाँ आंसर लिख देंगे। तो होता है 8 पाँच 40 की 0 लिखेंगे, और फिर 5 चौके 20 और हासिल 4 है तो 24, यानी कि हमारा संख्या जो आया 240 आएगा। गुणा करने पर कितना आएगा, 240 आएगा। तो हमारा एलसीएम जो हो गया यहाँ पे 240 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम का। इस तरह से हम एलसीएम बना सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है 30, 15, 60 और 75 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। सबसे पहले लाइन खींचेंगे
और इस लाइन के अंदर हम संख्याओं को लिखेंगे, जैसे 30 है, 15 है, 60 है, 75 है। यहाँ पे अब सबसे छोटी से छोटी संख्या से इन संख्याओं को कटाएंगे। तो सबसे पहले हम चलिए 2 से कटाते हैं इसे। तो 2 से कटाएंगे तो 15 दुनी 30 होता है, 15 2 के पाड़ा में नहीं आता है, नहीं कटेगा, तो इसको हम यूं ही उतार लेंगे। फिर 60 है तो 30 बारी में 30 दुनी 60 होता है। फिर 75 भी है जो 2 के पाड़ा से नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। जिन संख्याओं को हम नहीं काट सकेंगे उसको ऐसे ही ज्यों की त्यों उतार लेना है। आगे भी उसी तरह से कटाएंगे। यहाँ पे 2 से सिर्फ और सिर्फ एक संख्या कटेगी, 30। तो चलिए हम इसे 3 से लेकर चलते हैं। 3 से कटाएंगे, 3 5 15, फिर 3 5 15, 3 1 3 0 यहाँ पे उतारेंगे, यानी 10 30 हो गया। फिर 3 के पाड़ा में 3 2 6, 3 5 15, यानी 25 तिया 75 हो जाएगा हमारा। तो आगे भी चलिए कटाते हैं। यहाँ पे 3 से अब नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पाड़ा में ना तो 5 आता है, ना 10 आता है, और ना ही 25 आता है। 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 4 से भी कटने वाली कोई संख्या नहीं है, जैसे 5 10 और 25 4 से कटने वाली संख्या नहीं है। तो चलिए आगे इसको 5 से कटाते हैं। 5 एक बारी में कट जाएगा, फिर 5 एक बारी में कट जाएगा, फिर 5 दुनी 10 तो 2 बारी में कटेगा, फिर 5 25 है तो 5 25 होता है, तो इसको 5 बारी में काट लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी संख्या कट रही है। तो 5 एक बारी और कटेगा एक बारी में, तो हम यहाँ 5 को एक बारी में कटा लेंगे। अब इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। जैसे 2 है तो 2 गुना 3, फिर 5 है तो गुणा में 5, फिर 5 है तो गुणा में 5, और इधर 1 1 है तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि संख्याओं में कोई अंतर नहीं होगा 1 से गुणा करने पर। यहाँ पर 2 है तो गुणा में 2 लिखेंगे। अब इन संख्याओं को गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 3 2 6, 6 5 30, 30 5 हो जाएगा 150, और 150 2 हो जाएगा 300। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 300। अगर ऐसे गुणा करने में आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे साइड में कहीं पे गुणा भी कर सकते हैं। जैसे 3 2 6, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30। अब 30 में 5 से गुणा करना है तो यहाँ साइड में हम गुणा कर सकते हैं। गुणा वाला वीडियो अगर दोस्तों आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से गुणा करना सीख सकते हैं। 5 के पाड़ा 0 वाली पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 5 3 15, 150 है। अब 150 में ये संख्या बच गया 2, तो अब 150 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300। यानी हमारा एलसीएम जो है कितना हो गया, 300। हम कह सकते हैं कि मेरा लघुत्तम समापवर्तक 300 आया। मैं आशा करती हूँ आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और एलसीएम यानी लघुत्तम बनाना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।